दिल्ली की लड़कियों के बाल बहुत सुंदर होते हैं। हाँ, पता नहीं चलता विग लगाई हुई है। आई थिंक बैंड बजाने के लिए मुझसे बेटर और मुझसे सस्ता कोई मिला नहीं। सस्ता नहीं है भाई, सस्ती नहीं है फराह खान। इनके दो एपिसोड, हमारा एक फ्लैट। जितनी भी आंटियां होती हैं जो डराती हैं ना कि प्रेग्नेंट हो जाओ तो घर बैठ जाना चाहिए, वो गलत है। गलत है हाँ। आप उनको क्यों नहीं कहते जो मजदूरों की वाइफ बेचारी इतनी इतनी पेट लेके रेती ईटे करते हैं, वो भी तो मेहनत कर रहे होते हैं ना। मैं भी एक मजदूर की वाइफ हूँ। श्वेता, आप भी चाहते हैं अगली बार जब तुम्हारा इंटरव्यू हो तुम भी 9 महीने प्रेग्नेंट हो और तुम कह रही हो मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। ऐसा तो क्यों चाहती है लोगों ये चाहती सबका पेट आए फिर पता चले। मेरा पेट बिना प्रेगनेंसी के आ सकता है, मैंने खाना खाया मेरा पेट निकलने स्टार्ट हो गया, तो उससे मैं ऐसे करके बैठी। उफ, ये यंगस्टर्स की प्रॉब्लम। द मोस्ट खतरनाक थिंग आई थिंक आई एवर डिड वाज टू गेट मैरिड। मैंने अपने पति को गिरते हुए देखा, पहले इधर उधर गया यार, फिर ऐसे गया, फिर उसने इंजन बंद किया तो ऐसे आया, पतंग नहीं आती, और यहाँ पे आके फिर चला दिया। तू नहीं गई ऊपर, इसको भेजा आंसू, तूने ट्राई तो पूरा मारा कि इसकी जान जाए लेकिन बच गया यार। एक तो फॉरेन के जो पायलट होते हैं ना बड़े एक्सपीरियंस वाले होते हैं, बचा लेते हैं बंदे को ना। बच्चा डिलीवर भी हो जाए ना, किसी को बोलना नहीं। हाँ। ऐसे तकिया लगा के आया, तकिया लगा के ऐसे से करा और 9 महीने प्रेग्नेंट रहे। Okay, so I have a very interesting lineup today. I have with me the stars of the Khatra Khatra show. I have with me Farah ma'am, Bharti and Harsh. How are we doing? How's doing it going? Very well. How are you, Shweta? I'm doing really well. Very excited for the show. Are you coming on it? Are you inviting me? You haven't invited me. The producer will call you. He's always looking for free contestants. I have come all the way from Delhi to... Today to do this, so I will. मैंने पहले ही पहचान ली था दिल्ली की लड़कियों के बाल बहुत सुंदर होते हैं। हाँ, पता नहीं चलता विग लगाई हुई है। दिल्ली की लड़कियों के टांगे बड़ी सुंदर होती है। मैंने देखी नहीं हालांकि, लेकिन होंगी। साड़ियाँ नहीं देखियां तू? थोड़ा दिल्ली से आगे जाके पंजाब में भी देखो। पट है। तूने देखा नहीं बूट की सारी लड़कियाँ कितनी तगड़ी है, सारी पंजाब से है, समझे? पकड़ लेंगी तो छुड़वाने का। हाँ, ये हमारा समाज है, वूट का मोटा समाज। ओके, बट आई वांट टू स्टार्ट विद यू। ओके, हमने खतरा खतरा देखा है पहले भी, पर आप इस बार क्या कर रही हैं? आपने मतलब सेलिब्रिटीज को तो बहुत नचाया, पर यहाँ आप किस तरह से लोगों को नचाया? इस टाइम आई थिंक हर्ष का ये थॉट था, भारती तेरा नहीं होगा पता नहीं, हर्ष क्योंकि प्रोड्यूसर है और क्रिएटिव डायरेक्टर है, के वीकेंड पे वो मैं आऊंगी और इन सब की थोड़ी बहुत बैंड बजाऊंगी। तो आई थिंक बैंड बजाने के लिए मुझसे बेटर और मुझसे सस्ता कोई मिला नहीं। सस्ता दिल से जो लोगों की बात दिल से डांटती है। सस्ता नहीं है भाई, सस्ती नहीं है फराह खान। बातें बस। इनके दो एपिसोड, हमारा एक फ्लैट। तो आई थिंक दे वांटेड टू मेक इट स्लाइटली, इस टाइम बड़ा है शो और ज्यादा बड़ा है, द सेट इज बहुत ग्रैंड, बड़ा है, मतलब मैंने खतरा खतरा देखा है, छोटा सा क्यूट सा शो था, अभी इट्स अ बिग शो। या सो आई थिंक दे फॉर वीकेंड आल्सो सेलेब्स का क्वोशेंट बढ़ गया है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, सो आई थिंक दे वांटेड समबडी जो ऐसे रिंग मास्टर नहीं बोलूंगी लेकिन ग्रैंड मास्टर टाइप कोई आए और वीकेंड पे संभाले थोड़ा और इनकी भी वाट लगाए और इनको भी पनिशमेंट दे और गेम्स खिलाए और ऑल्सो भारती कभी भी डिलीवर कर सकती है। Yes, तो एक स्पेयर स्टेपनी होना जरूरी है। नहीं नहीं, माँ कम दाई माँ कम डॉक्टर कम एक्सपीरियंस वाले वो होने चाहिए। स्पॉट बॉय। हाँ, कॉफी वॉफी पिलाती है। पी के देख तू, तेरे को मजा आएगा। फिर मैंने पी, फिर एसिडिटी याद रहता है। बट क्या आपने कुछ टिप्स भी दिए फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी भारती को? भारती से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ क्योंकि ये नॉनस्टॉप काम कर रही है एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन। ये मुझे कभी कभी मेरे को मेरी याद आ जाती है, जैसे मैं भी ऐसे ही लगी हुई रहती थी, तो आई थिंक हम दोनों आई कैन रिलेट विथ हर। और ये मेरी छोटी बहन जैसी है तो मैं उसको टिप्स नॉनस्टॉप बेचारी चाहिए या नहीं चाहिए उसको मिलती रहती है। जितनी भी आंटियां होती हैं जो डराती हैं ना कि प्रेग्नेंट हो जाओ तो घर बैठ जाना चाहिए, वो गलत है। गलत है हाँ। आप उनको क्यों नहीं कहते जो मजदूरों की वाइफ बेचारी इतनी इतनी पेट लेके रेती ईटे करते हैं, वो भी तो मेहनत कर रहे होते हैं ना। मैं भी एक मजदूर की वाइफ हूँ,
और हम सारे मजदूर ही हैं, हम सब मजदूर हैं. बट दैट्स एक्चुअली वेरी कूल एंड इट्स एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि यू नो इनिशियली लाइक आई मीन back then we never really saw actresses you know coming out even stepping out. Today we have actors who are actually working even when they're 8 months pregnant, 9 months pregnant, and this is actually inspiring kyunki bahut se log aapko dekhte hain, women are watching you. See, you have to decide how what your body is telling you. You know, if the body is saying that I'm tired, you must rest, then you should rest. But I think hum log ki bodies kafi strong hai. Bahut shubh kamna, hum bhi chahte hain agli baar jab tumhara interview ho tum bhi 9 month pregnant ho aur tum keh rahi ho mujhe bhi bahut maza aa raha hai. ऐसा तो क्यों चाहती है लोगों ये मैं चाहती हूँ सबका पेट आए फिर पता चले मेरा पेट बिना प्रेगनेंसी के आ सकता है, मैंने खाना खाया मेरा पेट निकलने स्टार्ट हो गया, तो उससे मैं ऐसे करके बैठी हुई हूँ. उफ, ये यंगस्टर्स की प्रॉब्लम. को बियर पिलाओ रोज. ये देख दूसरा. हाँ, वो कैमरा वाले के लिए ये बात सही गई, मिलते हैं सर शाम को. अच्छा, क्योंकि हम खतरा खतरा शो के बारे में बात कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू नो if there has ever been a खतरनाक prank that either you all have played or someone has played on you. Anything that you can think of? हमारे साथ तो एक हमारे खतरा खतरा में ही हुआ था कि मेरे को एक जगह पे भेजा, पता नहीं होता कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके कान में जो बोले वो करना. Oh, lovely. तो हम मैं एक रेस्टोरेंट में गया और मुझे बोला गया आज तेरी डेट है, तो मैं बोला ठीक है. फिर एक सुंदर सी लड़की आई, फिर मेरे कान में बोल रहे हैं मैं सब कर रहा हूँ, वहाँ पे लोग भी देख रहे हैं, लोग जानते हैं कि भारती का पति है. हाँ. अब मैं उसको उसको केक दे रहा हूँ, गुलाब दे रहा हूँ, और मेरे को नहीं पता है, सडनली भारती आ गई और सबके सामने वो मेरी बेइज्जती करती है और मेरे कान में बोला गया है कि तुम्हें चुप रहना है और बस करवानी है अपनी. इसने जो मुझे पीटा है सबके सामने, वो लड़की को भी, वो लड़की का पर्स मारा सर पे मैंने, तू चुप रह ऐसे करके. सो इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग सिचुएशन, बहुत ज्यादा. और ये तो आपको पता ही है कितनी कितनी शरारती है अंदर से, तो इसने थोड़ा और ओवर द टॉप किया. वैसे कहना बदतमीज चाहता था, लेकिन उसको ऐसा कहना मैं बहुत कुछ चाहता हूं, सैनिटाइज कर दिया, कह नहीं पाता. लेकिन आप पे हुआ है कभी कोई प्रैंक? नहीं नहीं, कभी नहीं. वेरी बोरिंग लाइफ आई हैव. तो फिर पीछे देखो जरा, डरी कर पर मुड़ी नहीं, डरी पर मुड़ी नहीं. अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट खतरनाक थिंग दैट यू हैव एवर डन? Adventurous, the most khatarnak thing I think I ever did was to get married. Yeah, really? It's a lot of sabse danger. I mean, that is, I am amazed ki people jhat se shaadi kar lete hain aur young age mein shaadi kar lete hain. Aur maine bahut 40 when I was 40 when I got married, and I think that was the most risky thing that I did. Kyunki main bilkul shaadi wali type ki nahi thi. Main bahut khush thi apni single life se, and बट अच्छा है ना. बट आई एम हैप्पी. आई हैव बीन 18 इयर्स नाउ. वाह. हां, 18 खतरा खतरा. नाइस. ओके, भारती हर्ष, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी. ओह गॉड, या या, बहुत बहुत स्कैरी चीजें थी. एक सबसे स्कैरी था जो भारती को करना था स्टंट, लेकिन फिर वो ऑब्वियसली मुझे करना पड़ा. तो वो स्टंट में था कि एक पायलट होता है, वो प्लेन उड़ाता है, टू सीटर प्लेन होता है, वो खिलौने वाला प्लेन जैसा. हाँ, नहीं होता है, ग्लाइडर हल्के वाले. हाँ, हल्के वाले. हाँ. वो प्लेन ऊपर लेके जाता है, ऐसे ऐसे करता है, और वो इंजन बंद कर देता है, तो प्लेन ऐसे और आप फ्री फॉल आता है और फिर अचानक इंजन चालू करता है. तो अगर इंजन ही ना चालू हो तो. और ये सच में ऐसा हुआ था, और उन्होंने हद कर दी थी. और वो टास्क ही वो था कि कितनी देर तक आप इस प्लेन में बैठ पाते हो. आपने अगर कुछ बोल, एक बटन था वो आपने छोड़ दिया, तो आपका टास्क खत्म हो गया. मैंने अपने पति को गिरते हुए देखा, पहले इधर उधर गया जहाज, फिर ऐसे गया, फिर उसने इंजन बंद किया तो ऐसे आया, पतंग नहीं आती, और यहाँ पे आके फिर चला दिया. तू नहीं गई ऊपर? नहीं, इसको भेजा आंसू. तूने ट्राई तो पूरा मारा कि इसकी जान जाए, लेकिन बच गया यार. तो फॉरेन के जो पायलट होते हैं ना, बड़े एक्सपीरियंस वाले होते हैं, बचा लेते हैं बंदे को. बट क्योंकि आपने भी फियर फैक्टर की बात की, एंड यू ऑल हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, आई थिंक आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू आर एक्चुअली स्केयर्ड ऑफ? Could be anything. Like scared of like physical thing. Pet peeve. Yeah, like flying cockroaches. Oh, yeah, flying cockroaches. ये तो घिनौना हो गया बस. Not snakes. No, flying. वो जो flying cockroach का मेरे को बचपन का phobia है. Yeah. There is a cockroach called Madagascar cockroach. Oof. They smell so bad. और आप जब खतरों के खिलाड़ी आपके मुंह पे वाफ्यू बनाते हैं, right? Oh God. वैसे लेते हैं गोबर से तैयार किए गए. गोबर तो बहुत खुशबू है, बहुत खुशबू है वो perfume है गोबर उनके सामने. I get like my hair stands up. Yeah. हाँ.
बट दिस क्रीपी क्रॉली स्टिल हो गया, फ्लाइंग क्रीपी क्रॉली अनदर लेवल. But okay, now lastly I want to know what do you think about the importance of this kind of a show in today's day and time? क्योंकि हम इतना ज़्यादा, you know, we've been going through so much the past 3 years. तो ऐसे time पे एक ऐसा show आना जो कि मतलब throughout the week आएगा, आपको इतना हंसाएगा, आपकी celebrities को साथ लेके आएगा, and obviously we have the three of them here, so obviously it's going to be a laugh riot. So just tell me a little about what you think about that. I think I've been saying this through all our interviews that especially in today's times. Yeah. You need a stress buster. हर शो में ड्रामा है, हर शो में रोना धोना है, हर शो में स्ट्रगल की स्टोरी है. मतलब ओके गुड इंस्पिरेशनल, बट वंस अ डे फॉर दैट वन आवर और हाफ, कितना लंबा है अपना शो? एक घंटा. फॉर दैट वन आवर आई जस्ट वॉन्ट टू सिट एंड हैव अ गुड टाइम. यू नो इट्स अ डी स्ट्रेस एंड इट कम्स एट अ टाइम 7 बजे बूट पे आप थक मार के घर आओ काम से या बच्चे स्कूल से करके होमवर्क खत्म करके यू कैन सिट एंड यू कैन जस्ट Enjoy. बिल्कुल. Anything to add? ये वही है, because क्या है, घर पे एक तो आदमी आजकल इतनी सारी problems चल रही है कि आदमी stress लेके घर पे आया है और जब टीवी में देखता है वो बोलता है मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो बोला तेरी भी लाइफ में और मेरे भी प्रॉब्लम है, क्या करूँ फिर, मैं टीवी देख क्यों रहा हूँ. तो कहीं ना कहीं वो जो मैम ने बताया कि एक हर चैनल पे आई थिंक एक ऐसा शो होना चाहिए कि जहाँ पे दिमाग साइड में रख के आप बस देखो. And I like the idea of a daily show. Yeah. You know that because you know that 1 hour you wait in that day. जैसे Big Boss, मेरे लिए वो Big Boss होता था. उनके झगड़े चल रहे हैं, मार रहे हैं, मेरा डिस्ट्रेस हो रहा है. और मैम को कलर्स के क्रिएटिव से ज्यादा बिग बॉस के बारे में पता होता है. वो हमने बात की है और हमको ऐसा लगा कि सीरियसली मैंने बहुत लोगों को भेजा भी है बिग बॉस. बिग बॉस के बहुत कंटेस्टेंट्स हमें दिख भी रहे हैं एक्चुअली खतरा खतरा में. जस्ट स्पोक टू प्रतीक निशान. मेरे लिए तो मैं डिज्नीलैंड में हूँ. मैं तो मतलब एक्चुअली आप तीनों ही बिग बॉस फैनेटिक्स हैं. मतलब आप लोग तो इतनी बार बिग बॉस के घर में गए सीजन ओटीटी में भी और आप भी मैम इतने टाइम से आप करते आ रहे हैं. बिग बॉस के रिलेटिव हैं. ये चाची हैं, मैं बुआ हूँ ऐसे. तो वो लोग यहाँ भी आ गए तो मतलब ये एक्सटेंडेड हो गए. मैं प्रतीक निशान से भी बात करी थी ना, वाज टेलिंग देम कि मतलब डेजा वो हो गया, अब दोबारा से टास्क वास्क कर रहे हैं, स्टंट्स कर रहे हैं. आई थिंक ये टास्क में नेगेटिविटी नहीं है. हाँ. जैसे बिग बॉस के टास्क में नेगेटिविटी से यू नो दैट गुस्सा ये नहीं है इसमें. इट्स यू आर हैविंग फन. इट्स लाइक हाउ वी टू हैव टेली मैच, टेली गेम्स एंड तकेशी कासल, लवली क्रिस्टल मेज, वैसे टाइप के गेम्स है यू नो. Yeah, so that's actually a lot of fun. I know. So I think, मतलब आप फंसेंगे और ऑडियंस हंसेंगे. I think that's the best thing. नहीं, हम फंसाएंगे और मैं तो फंसाने वाली हूँ. आप तो मैं फंसाऊंगी. हम फंसेंगे और आप फंसेंगे. ये भी बच गई है बच्चे की वजह से. बच्चे की वजह से बच गई. थैंक यू बेटा. तो ना बच्चा डिलीवर भी हो जाए ना, किसी को बोलना नहीं. ऐसे तकिया लगा के आया और 9 महीने प्रेग्नेंट रहे. आते ही पहले तेरे को कहेंगे पहली भारत की लड़की 18 महीने बाद बच्चे का जन्म. पढ़ा के मतलब 2-3 क्लासें करवा के निकालना है. ओके, आई थिंक दैट्स ऑल द टाइम वी हैड, बट दिस वाज सो मच फन. थैंक यू फॉर डूइंग दिस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द खतरा. थैंक यू सो मच.